यूपी में योगी सरकार का महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा वाला वादा तार तार होता नजर आ रहा है। उन्नाव में हुई वारदात की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एटा में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। ये जघन्य वारदात रात के 1:30 बजे उस समय हुई जब मृतका मासूम अपने परिवार के साथ पड़ोस में एक शादी समारोह में गई हुई थी। शादी में टेंट लगाने वाले एक युवक ने नशे की हालत में धुत होकर मासूम का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया, बाद में गला रेतकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। कई घंटों से जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। वहीं शादी समारोह स्थल से थोड़ी दूर पर नवनिर्मित मकान में मासूम बच्ची का शव मिल गया जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। मामला समझते ही परिजन बदहवास हालत में बच्ची को जिला चिकित्सालय लाए जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राम सेवक पाल, राम सेवक, क्या हुआ है बेटी के साथ? बेटी के साथ अंदर ले जाके बलात्कार किया है, उसके बाद गला घोट के मार दिया है। अच्छा, आपको कब पता लगा ये घटना? 10-15-20 मिनट पहले दरवाजा हो रहा था, तो 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद में दरवाजा होने पर अंदर गई है बच्ची घर में, उसके बाद गली में दूसरे में ले गए और वो कमरे में ले गया। आरोपी पकड़ा गया क्या? आरोपी पकड़ा गया थाने में है। वो दरवाजा साहब बोल रहे थे क्या भी वो नशे में, उसके बाद पूछेंगे। थाना कोतवाली नगर में एक शादी समारोह था तो उससे बच्ची आई थी, तो बता रहे हैं लगभग 8-9 साल की बच्ची है और उसको उसके साथ रेप करके उसका गला दबा के हत्या करी गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं पास में मिल गया था और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।